रायसेन जिले की नर्मदा नदी सतरापन रेत खदान में अवैध तरीके से चल रहे पोकलेन मशीन के खिलाफ जिला खनिज अधिकारी ने कार्रवाई की है, जहां खनिज अधिकारी आरपी कैथल ने टीम सहित पोकलेन मशीन को जब्त की है। बता दें कि जिले के 56 रेत खदानों का ठेका समय पर किश्त जमा नहीं करने की वजह से 2 महीने पहले ही निरस्त हो गया, जहां ठेका निरस्त होते ही अवैध रेत कारोबारियों ने स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से दोबारा रेत खदान को शुरू किया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की। शिकायत मिलते ही खनिज अधिकारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान खदान में पोकलेन मशीन मिली, जिसे बरेली थाने पहुंचाया गया। खनन कर रही थी पोकलेन मशीन, इसलिए हम लोग उसको जब्त करके थाने में खड़ा किया है। उसको केस बना करके कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। कर तो रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ एक ही जगह नहीं है ना, पूरा जिला है, पूरे जिले में कार्रवाई करना पड़ता है। इधर बुरास है, इधर अंडिया है, वहाँ भी कार्रवाई करते हैं, सबसे करते हैं। वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ट्रैक्टर ट्राली का सिलसिला चल रहा था पकड़ने का। हाँ। ट्रैक्टर ट्राली पकड़े, उसको छोड़ दिए जाते हैं, कुछ पकड़े रखते, कुछ पर कार्रवाई होती है, ऐसा क्या? ये गलत कह रहे हो कि पकड़ के छोड़ दिए जाते, कोई पकड़ा नहीं जाता, जो पकड़ा जाता है थाने में खड़ा होता है।